हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अभी सुबह का टाइम है, सुबह का अर्ली मॉर्निंग। जब मैं पीती हूँ एक ग्लास गर्म पानी, तो मेरा जो दिन शुरू होता है वो गर्म पानी के साथ होता है। आप लोग भी ऐसा ही करो, या फिर इसमें आप हनी और लेमन डाल सकते हो। वैसे मैं हनी लेमन नहीं डाला, मैंने सिंपल वाटर लिया है। 8 बजे का टाइम हो रहा है, सर्दियाँ हैं तो इतना जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, तो ये मैं सबसे पहले सुबह उठ के पीती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और यहाँ है पापा अभी, गुड मॉर्निंग। और मैं और यहाँ डिस्कशन चल रहा है, इस वाले एक सेक्शन के ऊपर डिस्कशन चालू है। और पापा मुझे पूछ रहे हैं ये पॉकेट पॉकेट ये कौन आवाज कर रहा है इतनी? ये पॉकेट किसका है? ए भाभी सा, आवाज मत कर। पापा के लिए इतने सारे पॉकेट किसके? मतलब पर्स को ये क्या कहते हैं, एक बार बोल के बता दो। पॉकेट पॉकेट, हाउ फनी। और इसके नाम पता है क्या है? इसका एक नया नाम हमने रखा है, कुची। कुची इधर देखो, कुची से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो इसका नाम हमने कुची रख दिया है, और इसके वैसे बहुत नाम है, और इसका नाम रख दिया मैंने आज से कोचा, कुची एंड कोचा। और ये ठंड लग रही है इसको, साउथ गुजरात में सच में थोड़ी सी ठंड पड़ रही है, क्योंकि अक्सर मॉर्निंग में ऐसे कुछ डिस्कशन चलते हैं। क्या दिखाना है आज? ये सुबह से बैठ के ना इस सेक्शन पे कुछ कर रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। ये देख के ना आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। पापा आपको आया ये कलर? हमारे टाइम पे डोम्स नहीं था। हाँ, हमारे टाइम पे कैमलिन था। यस, डोम्स सबसे ज्यादा चलता है। ये डोम्स का किट दिया था ना रूबी दीदी ने, अभी कोई पूरा किट दिया था। ये हमारी एक सब्सक्राइबर है मेरठ में। हाँ, उन्होंने बता चुकी हुई है पहले भी। अच्छा, उन्होंने ये किट अभी को दिया था। और प्रिशा ने ना मनाली से आने के बाद, देखो मेरे शूज को कितने अच्छे से इसने अंदर ना कुछ भरा है, जिससे कि ना इनका शेप ना खराब हो। ऐसा लग रहा है किसी ने पहन रखा है, लेकिन वो इनविजिबल मैन है। हाँ, ये मैं ना वहां लेके गई थी मनाली, इसने आने के बाद इसमें सब भर दिया जिससे इसका शेप ना बिगड़े। शी इज सच अ स्वीट हार्ट। और अभी ये जा रहे हैं सब्जी लेने। झगड़ के बैठी और अभी बोली स्वीट हार्ट। वो झगड़ा हमारा प्राइवेट है, वो हम नहीं दिखा सकते। ये जा रहे हैं सब्जी लेने। आज इनको वार्निंग मिल गई है प्रिशा की, क्या कर गाजर लिए ना तो मैं घर में एंट्री नहीं दूंगी, क्योंकि इसको खाना है गाजर का हलवा। कह रही है मम्मी न्यू ईयर में जाने से पहले एक बार हलवा चाहिए, क्योंकि मैंने इस सीजन में बना ही नहीं है। एंगेजमेंट में तो वहाँ पे मतलब ठीक था, गए बाहर गए, इतना कुछ खास नहीं था गाजर का हलवा। और मैं इतना मिस कर रही थी गाजर का हलवा, वो खाने के बाद मतलब पानी पानी से था, एकदम ओंधा था यार। ऐसा गाजर का हलवा कौन बनाता है? अब मैं आपको खाऊंगी मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा। इसको मेरे हाथ का बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी होता है, लाइक बहुत ही टेस्टी। चेकिंग करेंगे, ये इसके सब नए पर्स हैं। इसमें एक ही ऐड हुआ है, इसको मैं बहुत जल्दी रिव्यू करने वाली हूँ। ये बहुत प्यारा है, ये मैं लेके भी गई थी उस दिन। इसको मैं बहुत जल्दी रिव्यू करूंगी। इसके साथ एक बड़ा बैग भी आया हुआ है, उसको भी रिव्यू करने वाली हूँ। और ये ना वो है इको फ्रेंडली, क्या बोलेंगे प्रशांत? इको फ्रेंडली बैग है ना। हाँ, ये और ये हमारा स्किन से नहीं बना। हाँ, ये हमारा फेवरेट परफ्यूम है, परफ्यूम जो कि हमें बहुत पसंद आया है। वैसे मेरे पास काफी सारे डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट। ये हम कहीं जाते हैं, जैसे अभी बर्थडे पार्टी में गए थे 25th को, तब लगाया था। ये वाले तो मैं डेली यूज में यूज करती हूँ, बिकॉज मेरे को चाहिए रहती है कोई सेंट मेरे पे, मतलब अच्छा लगता है। पार्टी को आई होप कि अगर विवेक गाजर ले आए तो ये घिसने वाली है। ये पहले भी घिसती थी गाइज, आपको अगर याद हो तो, यही घिसती है हमारे घर। गाजर घिसने का काम यही करती है। हाँ, मैंने बोल रखा है कि मतलब गाजर के हलवे के लिए गाजर मैं घिसूंगी, और बहुत सारी होती है तो आंटी से मैं करवाना भी नहीं चाहती। मैं लिप बाम रखे, एक इसका निविया का फेवरेट है और एक इसका ये शुगर का फेवरेट है, एक ये भी है, और एक ये कौन सा है गुड वाइब्स, और ये नेल टूल्स है। सब वैसे रखा है, लगाने वाली हूँ। ये देखो गाइज, ये नेल्स लाई है कहीं से, नहीं मैंने मंगाए थे अमेज़न से। ये ना बहुत बड़े बड़े थे, ऐसे थे, तो मैंने इनको ना ट्रिम कर दिया, क्योंकि मैं इतने बड़े नहीं लगाऊंगी, मैं छोटे छोटे ही लगाऊंगी, तो ये ट्रिम हो रखे हैं और मैं इनको यूज करने वाली हूँ। ये वन ईयर पे लगाऊंगी, बिकॉज मैं मेरे नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ, मुझे बाइटिंग की आदत है, मैं कितना भी चाहूँ रोक ही नहीं पाती, कभी कभार बाइट कर ही लेती हूँ, और इसीलिए अब मैंने छोटे ही रखे हैं, तो मैं ये लगाऊंगी। अब तो सोचा तो यही है लगाने का, अब देखती हूँ मूड पे डिपेंडेंट है, या तो लगाऊंगी या तो नहीं लगाऊंगी। वैसे ट्रिम तो कर लिया, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े थे, तो मैंने ट्रिम। अब पैकिंग कब करें बेटा? हाँ, ये इसका देखो, ये इसकी बुक्स का सेक्शन है, ये छोटा पड़ रहा है, इसको अब मुझे ना कुछ और मैनेज करना पड़ेगा। अनयूज बुक्स है, ओके, ये अनयूज बुक्स है, यूज बुक्स है, केमिस्ट्री है, ये पूरी टेक्स्ट बुक्स है, एंड ये नीचे के मम्मी के पेपर है, ये ऊपर वाला ही मम्मी का, इसलिए गंदा है, मेरा जो है वो साफ है। What do you mean? मेरे पास थोड़ी बहुत बुक्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अरे इतना लंबा मत कर बातचीत बेटा, फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी है, प्रीति शिनाई की मैजिक माइंडसेट, ये मैं पढ़ चुकी हूँ, बहुत अच्छी है, वेरी गुड फॉर मोटिवेशन। मम्मा ने कौन सी लेके दी है वो बताओ? मम्मा ने ये दिला के दी है मुझे, दोनों है ना, रोंडा ब्राइन की है। रोंडा ब्राइन इज नोन फॉर
मोटिवेशनल बुक्स एंड ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती है. ये मेरी फेवरेट है. ये हमने अभी मंगवाई है, 6 महीने हुए ना. हाँ, द पावर द मैजिक. गिफ्ट की थी मैंने तुम्हें किसी दिन पे गिफ्ट की थी? कौन सा दिन था? डॉटर्स डे शायद से. और ये भी मैंने मंगाई थी ना. हाँ, द सीक्रेट भी है हमारे पास, वो वहाँ कहीं रखी हुई है. एंड दीज बुक्स आर वेरी गुड. इफ यू डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए. मुझे भी पढ़नी है. इनफैक्ट मेरी भी बाकी है. सच बात है कि इट्स ऑल इन योर हेड. इफ यू आर पॉजिटिव अबाउट इट, पॉजिटिव रिजल्ट्स कम. बिकॉज़ एग्जैक्टली जब पापा बीमार थे उस टाइम पे हमने भी हमारा माइंड बहुत बहुत पॉजिटिव रखा था. हम बस मतलब पापा के सामने खुशी रहते थे, उनको एक पॉजिटिव साइड दिखाया. तो ही इज नाउ वेरी वेल. एंड मुझे भी यही लगता है कि पॉजिटिव माइंड वर्क्स वेरी वेल. या दैट्स ट्रू. अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हो एंड फिर भी आपका माइंड नेगेटिव है तो कुछ नहीं हो पाएगा. उसका एक लाइव एग्जांपल मैं खुद को मानती हूं. बिकॉज आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट माई लाइफ एंड दैट्स वॉट हैपेंड इन माई लाइफ. मैं कुछ नहीं थी, जीरो से यहाँ तक पहुंची हूँ सिर्फ अपने पॉजिटिविटी. और पॉजिटिव जब आप होते हो ना तो आप खुद ही मेहनती हो जाते जब हो. जब हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हुए थे तब हम ये सोचते थे कि यार 1000 कब हो गए. फिर 1000 हुए तो सोचते थे 10,000 कब हो गए. फिर लैक हुए, अब हम अभी सोच रहे हैं कि 10 लैक्स कब हो गए. अब कुछ टाइम पे हो भी जाए आप लोग की मतलब हेल्प से. तो मतलब हमने तभी सोचा था कि हम आगे जाएंगे कि नहीं, बस हम करते रहे. और मैंने मम्मी को बोला आप आगे जाओगी जाओगी. एंड अब मम्मी बहुत आगे गई है. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, पॉजिटिव माइंड रखा करो. आप भी कोई भी बीट हेल्थ बीट एनी थिंग यू वांट, जस्ट पॉजिटिव रहो उस बारे में. बस पॉजिटिव ही रहो, बस यही. तो प्रिशा सुबह में कर रही थी सारी डस्टिंग. अपनी पढ़ाई में से वो थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेती है भाई. फ्रेशन अप होने के लिए भी बच्चे थोड़ी देर उठते हैं, तो इट्स अर नेचर के उस टाइम पे वो मुझे हेल्प करना बहुत ज्यादा पसंद करती है. लायो मेथी के लड्डू. ये मेरे लिए क्या लाया है देखो? मेथी के लड्डू. मेथी के लड्डू लाए हैं क्योंकि हमारे गुजरात में ना सब लोग ऐसे मेथी के लड्डू खाते हैं. इट्स गुड फॉर हेल्थ, फॉर लेडीज स्पेशली. तो ये लेके आए मेरे लिए. और ये सब्जियां आ गई हैं. आज प्रिशा बहुत खुश है क्योंकि आज तो भैया गाजर आई है. गाजर मेथी भी आ गई. गाजर मौका ढूंढ के निकल लिए. देखा, मौका ढूंढते ही निकल लिए. ये क्या क्या लाए पापा? भिंडी, टमाटर, मटर. ये क्या है? मेथी की भाजी. तो भाई सर्दियों में ना है तो बात ही है. ये वो हल्दी, ये कल भाभी बनाएगी काट के. अभी तो नहीं, कल टाइम मिलेगा तब. वाओ, ये तुबेर के दाने जिसकी मैं खिचड़ी बनाया करती हूँ. और वाओ, क्या गाजरे, कलर तो देख यार. और कितनी मोटी मोटी है. इसमें ज्यादा टाइम नहीं, पता है पतली पतली सी होती है तो उसमें कितनी परेशानी होती है. इनको अब तुम ग्रेट करो भाई, हलवा बनेगा. लहसुन, फिर प्याज, बटाका यानी आलू, लहसुन, बटाका आलू. बटाका पता नहीं चलेगा ना बेटा, बटाका किसे कहते हैं? बटाका कांदा ने लहसुन. और ये आया है अदरक, क्योंकि हमारे यहाँ बनती है अदरक की चाय. आलू कहते हैं यहाँ पे. और क्या है बेटा? मतलब आलू, कांदा मतलब प्याज. आपको अभी तक तो उनको पता ही चल गया होगा कांदा मतलब प्याज होता है, क्योंकि मैं बहुत बार कांदा ही बोलती हूँ. एग्जैक्टली. और ये लहसुन, लहसुन यहाँ पे लहसुन बोलते हैं, लहसुन. ये है वो हल्दी जो हम खाते हैं ना, इसे कच्ची हल्दी कहते हैं ना. दिस इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ. सर्दियों में खानी चाहिए. और इसे कहते हैं आंबा हड़द. जिंजर जैसी दिखती है लेकिन एक्चुअली ना ये एक टाइप की हल्दी है. भाभी ना पीछे बर्तन कर रही है इसलिए आवाज़ आ रही है. ये एक टाइप की हल्दी होती है, आंबा हड़द कहते हैं इसे. और ये वही है जो टर्मरिक होता है ना, प्रॉपर टर्मरिक, ये वही है. देखो प्रॉपर टर्मरिक. हाँ, बच्चा बैठ रहा है गाजर छीलने. ये लाए हैं विवेक मेरे लिए मेथी के लड्डू, जो अभी आपको दिखाए ना मैंने. ये बहुत अच्छे होते हैं. और मेथी इसमें ना, मेथी और बहुत सारी चीज़ें, गोंद और ड्राई फ्रूट सब होता है. सर्दियों में खाना चाहिए. मुझे बनाना नहीं आता है ये. और मम्मियाँ तो हमारे पास हैं नहीं, ना मेरी मम्मी ना विवेक की मम्मी. तो ये मार्केट में एक जगह बेकरी पे ना बनाते हैं, घर से बना के लाते हैं. ये चार लाए हैं टेस्ट करने के लिए. और इससे पहले भी लाए थे वो गोंद वाले लड्डू थे. इसमें भी है गोंद, इसमें बेसिकली ये मेथी ज़्यादा है इसके अंदर, हल्दी भी आई थिंक इसके अंदर. सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर विंटर्स. लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जिनको कमर वमर में दर्द हो रहा हो ना. आप YouTube पे भी देख सकते हो उसकी रेसिपी, मेथी के लड्डू गुजराती स्टाइल में. आप बना सकते हो, खा सकते हो सर्दियों में. इट्स वेरी वेरी गुड. तो सीज़न का ये सबसे पहला गाजर का हलवा मेरे घर में बन रहा है न्यू ईयर से जस्ट पहले. इसके बाद आपको मिलेंगे न्यू ईयर के व्लॉग्स के हम लोग कहाँ गए थे, बाहर गए थे, मैंने बताया था ना आपको. और एक रजनी शर्मा की रसोई करके कोई हैं जो मुझे हमेशा कमेंट करती हैं,
थैंक यू डियर, आप रोज़ कमेंट करते हो। राधे राधे रुचि, आप जल्दी डाला करो व्लॉग, हमें बहुत इंतज़ार रहता है। प्रीति एस ने भी कमेंट किया है, मोनिका बंसल, दीक्षा लाइफ लॉन्ग, संध्या दीपक, मानसी ठाकुर, मिशिका शर्मा, पीहू, इनका हमेशा कमेंट होता है। लव यू गगनदीप जी का हमेशा होता है, लव यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डेली कमेंट करते हैं तो मैं भी अब डेली ही रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पर भाभी मेथी कट कर रही है, तो लंच में आज बनने वाला है मेथी। इवनिंग गाइज, अभी शाम हो गई, आपसे इतनी मतलब बीच में बात ही नहीं हुई। अभी शाम के 5:30 बजे हुए, 15 यस 5:30 बज रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आराम करके उठी हूँ, नहा के मैंने नाइटी पहन ली थी क्योंकि ये मोटी है भाई, ठंड हो रही है। साउथ गुजरात में भी ठंड स्टार्ट हो गई है, 2-3 दिनों से काफ़ी ठंड लग रही है। 2 दिन 3 दिन नहीं, आई थिंक 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन से अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। इसका था प्रिशा गाजर की स्टोरी थी, तो मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, अब बनाऊंगी मैं एक्चुअली ना, दोपहर में लंच के बाद बनाने वाली थी, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने दाल चावल चढ़ाए, आज मेथी आलू की सब्जी बनाई थी दिखाया नहीं आपको क्योंकि ऑलरेडी मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ ना, इसीलिए। तो जैसे ही मैंने रखा दाल चावल का कुकर, गैस खत्म हो गई, सिलेंडर खत्म हो गया, जो बीच में ख़त्म होने वाला था कुछ दिन पहले, लेकिन वो अभी तक चल रहा था थोड़ा थोड़ा करके, अब जाके फिनिश हुआ। तो फिर हुआ क्या, मुझे ये क्या टेढ़ा क्यों हो रहा है मेरा ट्राइपॉड, हाँ जी हाँ, तो ये नाइटी तो आपको याद होगी ना, मैंने आपको शो भी करी थी उसमें अमेजन के हॉल में, इसमें साइड पर पॉकेट भी है और एक डोरी भी है जो कि मैं नहीं बांधती। सर्दियों में ज़रा ऐसी नाइटी हो ना तो ज़रा शरीर नरम रहता है। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है कि स्वेटर पहना जाए, बट इतनी ठंड है कि इतना मोटा कपड़ा नीचे, सॉक्स, तो वही सब मैंने करा हुआ है। तो इसी वजह से मैं गाजर का हलवा नहीं बना पाई क्योंकि तब लंच लेट हो गया, फिर ये सिलेंडर, इनको फ़ोन किया मैंने, बाहर गए हुए थे, सिलेंडर लेके आए मैनेज करके, फिर बाद में मीनाक्षी आई रोटी बनाने, तो चारों गैस बिजी थी, एक पे दाल, एक पे चावल, मीनाक्षी रोटी करी थी और एक पे मैंने आलू मेथी की सब्जी बनाई थी। और आज हल्दी वापस जो सुबह में आई है उसका अचार बना के जो रख देते हैं ना नींबू नमक डाल के, वो मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, खाना चाहिए। तो अब मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, तो अब आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे मैं हर साल शेयर करती हूँ जब भी बनाती हूँ, बट ये साल का पहला गाजर का हलवा है तो ऑब्वियसली शेयर करना तो बनता है ना। मैं थोड़ा सा लेटी थी ना, विवेक भी मेरे साथ ही लेटे हुए थे, अब ये गए हैं अभी को लेने के लिए और मुझे कह के गए चाय बना लो, तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर आराम से गाजर का हलवा शुरू करती हूँ। सर्दियों में ना मुझे ऐसे कपड़े वैसे भी बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, ये जो वन पीस टाइप होते हैं ना, मतलब ऊपर से डाल लिया, छुट्टी मेडी हुई, नाइटी हुई, कुछ भी हुआ। और ये मैं सोची और मंगवाऊँ, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, मैं सोची उसमें ग्रीन कलर और है वो भी मंगवा लूँ क्योंकि ये ना काफ़ी मोटी है, मोटा वाला वेलवेट है, देखो वेलवेट है ये मोटा वाला, तो इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। आप वो वीडियो चेकआउट कर लेना अगर किसी को चाहिए। और मेरी गाजर ये रही, और आपको याद होगा मैंने कई बार पहले भी इसकी रेसिपी शेयर करी है, और मेरे हाथ का गाजर का हलवा, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, बट एवरीवन सेज, जो भी मेरे हाथ का हलवा खा लेता मतलब उसको फिर किसी के हाथ का अच्छा नहीं लगता, प्रिशा को इवन शादियों का भी अच्छा नहीं लगता मेरे हाथ के हलवे के आगे। तो मेरी रेसिपी इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख लेना, और बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, बहुत कम दूध डालती हूँ, नाम के लिए दूध पड़ता है, बाकी मैं जो डालती हूँ वो ये डालती हूँ, मैं मावा भी नहीं डालती, वैसे मावा डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं डाल सकते, बट मैं मावे की जगह बर्फी डालती हूँ। मैंने 6 या 7 पीस बर्फी मंगवाई है, ऑलरेडी इसमें चीनी है, शुगर होता है बर्फी में, आपको पता है, तो वो मैं फोड़ के डालने वाली हूँ, थोड़ा सा दूध भी डालती हूँ, मतलब मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले बनाएंगे चाय, तो ये जो कुकर है इसमें दाल चावल मेरे हमेशा ना दिन में थोड़े थोड़े बच ही जाते हैं, तो वो फिर ना मैं रात को, हाँ ये रहा हुआ चार साल यहीं पर ही है, मुझे लगा फ्रिज में रखा होगा, देखो पूरा भर गया था, यहाँ तक भर गया था, और आधा कटवाया आज मैंने, भाभी से पूरा नहीं कटवाया, बहुत टाइम लग जाता है ना, वो भी कंटाल जाती है कितना काटेंगी, तो एक दिन आधा करके करवा लेती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा ही आज इनसे कटवाया था यहाँ तक, और इतना हम खा गए हैं, इतना ही बचे, दिस इज़ रियली गुड, इससे ब्लड साफ होता है, कर्क्यूमिन यानी टर्मरिक है ना, रियल टर्मरिक, दैट इज़ गुड फॉर जॉइंट, दैट इज़ गुड फॉर इम्यूनिटी, दैट इज़ गुड फॉर स्किन एंड हेयर, तो ये सब। और आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो मुझे भी मेरी स्किन बहुत खिलखिली लग रही है, देखो आप चमक देख रहे हो स्किन में, एक ग्लो है स्किन में, बहुत अच्छा वाला ग्लो है, बिकॉज आई एम ईटिंग ऑल दिस थिंग्स, एंड सुबह में गर्म पानी एंड विटामिन सी का टैबलेट ले रहे हैं हम लोग, वापस से कोरोना बढ़ रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, हमारी कंट्री में तो नहीं लेकिन कुछ कंट्रीज में है, सो बी केयरफुल। बच्चों को भी मैंने मास्क पहना के ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं आ गई चाय बनाने, क्योंकि सबसे पहले चाय पीऊँगी। सर्दियों में जब चाय का नाम लेते हैं तो एक गुदगुदी सी होती है ना, अदरक वाली चाय एकदम से ध्यान में आ जाती है और उसका टेस्ट मुंह में आ जाता है। साथों साथ मैं गर्म करने रख रही हूँ दूध,
क्योंकि अभी अभी दूध नीचे से आया है और बहुत ही अच्छी लगती है अदरक मसाले वाली चाय। तो मैंने अदरक भी डाला है, मसाला भी डाला है। मुझे पता है मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा दूर सी चली गई हूँ यूट्यूब से, जी हाँ ये बिल्कुल सच है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बहुत परेशानियाँ चल रही थी हमारे जीवन में, कुछ शेयर की हैं और कुछ नहीं की हैं, तो अब वो मैं आपसे शेयर करूँगी। कुछ समय से हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं और ऑब्वियसली यू गाइज आर माई फैमिली, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन बहुत सारे रीज़न्स हैं जिस वजह से मैं इरेगुलर थी और हूँ अभी भी, बट अब मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी पूरी पूरी, बिकॉज मुझे खुद भी अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यू नो काफ़ी टाइम हो गया मुझे ठीक से व्लॉगिंग ना किए, तो अब मैं जैसे कि एक रूटीन व्लॉग प्रॉपर है। लाइक कर देना यार, आप अच्छे से लाइक करोगे तो ऐसे रूटीन व्लॉग मैं अब बनाती ही रहूँगी। तो चाय तो एक साइड पर रख दी मैंने, अब मैं ये रूम ठीक करने आई हूँ। ये एक्चुअली ना शाम का मेरा रूटीन ही है ये, कि मैं थोड़ा सा इस रूम में पहले दोपहर में एडिटिंग वगैरह करती हूँ या आराम करती हूँ, यही रूम में होती हूँ मैं ज़्यादा करके, और उसके बाद पूरे रूम को शाम को सेट करती हूँ। और पीछे का जो डोर है ना और ये विंडो वगैरह है, ये मेरा एक नेचर ही है, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम मैं ओपन करती हूँ, और होना भी चाहिए, बाहर का जो हवा है ना फ्रेश एयर वो घर में आना ही चाहिए। तो शाम को लाइक हम जब दोपहर में पूरी दोपहर बिस्तर पर बैठते हैं तो चादर तो ऐसे वैसे होनी बिल्कुल जायज़ सी बात है, तो वो सब कुछ मैं शाम को एक बार फिर से मेरे पूरे की ना डस्टिंग जैसी कर देती हूँ। ये करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो करो, मुझे तो ये सफाइयाँ वगैरह करके शाम को और एक प्यारा सा म्यूज़िक प्ले करके, मतलब मेरी तो शाम ही बन जाती है एक कप फिर चाय के साथ। और यहाँ पे आ गए हैं विवेक और अवि, और अवि का वैसे 30 डेट को निकल गया था प्लास्टर, लेकिन ये चूंकि 30 से एक दिन पहले का व्लॉग है तो इसीलिए आपको ऐसे लग रहा होगा। तो इसका हाथ अब ठीक है, अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊँ तो ही इज़ ऑल राइट नाउ, कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं डॉक्टर ने वो चल रही हैं। और यहाँ विवेक अपना कुछ बैठ के फ़ोन में कुछ कर रहे थे तो मैंने सोचा पीछे से कपड़े भी ले लूँ। शाम का मेरा यही फुल रूटीन होता है, मतलब चाय बनाना, साथ में मैं मशीन भी लगा देती हूँ कई बार, कपड़े वगैरह ले लेती हूँ, तह लगा देती हूँ, कुछ कपड़े गीले होते हैं कुछ सूखे होते हैं क्योंकि आजकल धूप तेज़ नहीं निकल रही है, निकलती है बट हल्की फुल्की। और यहाँ विवेक आ गए थे, मैंने बोला चाय छान लो आप जरा, मैं कपड़े तह लगा रही हूँ, तो इन्होंने छान ली है चाय। और चाय पीने के बाद मैं फाइनली आ गई हूँ गाजर का हलवा बनाने। जी हाँ, कल के किसी व्लॉग पे, मतलब कल के व्लॉग पे किसी ने कमेंट किया है कि दीदी गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करो, और इत्तेफाक से देखिए मैंने गाजर का ही हलवा बनाया था। तो चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चम्मच घी लिया है, सिर्फ एक चम्मच, और एक किलो नहीं डेढ़ किलो गाजर है, ठीक है, डेढ़ किलो गाजर में मैंने सिर्फ ये एक चम्मच, ये बहुत बड़ी चम्मच नहीं बोलेंगे इसे, नॉर्मल साइज़ की चम्मच है, वो घी ले लिया। ठीक है, मैं जिस तरह से बना रही हूँ ना ध्यान से देखना आप, बच्चे उंगलियां चाट के खाएंगे, ये बिल्कुल पानी पानी जैसा कहीं शादियों में होता है ना लिजबी जैसा हलवा, ऐसा नहीं बनता। मेरा हलवा बहुत ही अलग बनता है, एकदम कड़क जिसे कहते हैं क्या बोलें, एकदम यू नो रेड कलर का, ना ज़्यादा घी ना ज़्यादा मावा ना ज़्यादा पका हुआ, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो देख लेना आप ध्यान से। तो मैंने घी डाला है एक ही चम्मच, बहुत कम घी में हलवा बनेगा, और थोड़ी सी देर समझ लो कि पाँच मिनट भी नहीं, आप इसको ऐसे ही घी में गाजर को सेक लो, ठीक है, थोड़ा सौते कर लो, और जब सौते हो जाए ना 5-7 मिनट, तो इसके बाद दूध सिर्फ नाम के लिए डाला। आपने देखा मैं ना मावे के साथ हलवा बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, दूध वाला हलवा ना बहुत गीला गीला सा बनता है, पसंद नहीं आता है बच्चों को और मुझे, तो ये मैंने क्यों डाला है, मैंने एक कप जैसा दूध डाला होगा डेढ़ किलो गाजर में, वो रीज़न है कि भाई बस मेरा गाजर में दूध में गाजर जब पकेगा तो गाजर गल जाएगा, और ये है 7 पीसेस या 8 पीसेस बर्फ़ी है मीठी, तो आप समझ लो 250-300 ग्राम मावा होगा ये, इतना समझ लो, पर मुझे बर्फ़ी डालना ज़्यादा पसंद है। तो ये दूध जो थोड़ा सा मैंने डाला है वो सिर्फ इसलिए डाला है जिससे कि मेरी गाजर जो है वो एकदम कच्ची ना रह जाए, थोड़ी सी गल जाए, बट ज़्यादा दूध मुझे पसंद नहीं। तो अब देखिए गाजर के हलवे में ना स्टेप्स होते हैं, अगर आप वो सारे स्टेप फॉलो करोगे आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमने घी में भूना, दूसरा स्टेप है कि हमने दूध डाला, अब हम तब तक इसको चलाएंगे जब तक बिल्कुल जब हम कलछे को दबाएं ना गाजर के ऊपर तो बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए, देखो अभी तो आ रहा है लिक्विड, दूध दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे सूखा हो जाना चाहिए तब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ बीच में मैं बादाम और इलायची वगैरह कूट के रख लूँगी मीनवाइल, और चलाती जा रही हूँ। और अब देखिए मेरा बिल्कुल दूध सूख गया था, तो अब ये थर्ड स्टेप है कि इसमें हम चीनी डालेंगे, चीनी स्वादानुसार आप डालो, मैं तो अपने स्वाद के हिसाब से डालती हूँ, मैंने थोड़ी कमी डाली है क्योंकि मावे वाली मतलब बर्फ़ी में भी ये है ना चीनी, इसीलिए। और अब जो है चीनी के बाद ये फिर से पानी छोड़ेगा, तो अब इसको फिर से उतना चलाना है, इतना चलाना है कि अगर आप कलछे को दबाएं ना गाजर के ऊपर तो पानी ना आए,
उसके बाद फिर आप ये मावा डालिए, मावा या तो फिर आप अगर खोया मतलब बर्फ़ी डालिए मैंने, तो अगर आप मावा डालना चाहें मावा भी इस टाइम पे डाल दीजिए, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा भी डालना है आपकी मर्ज़ी है, मैंने इलायची साथ में डाल दी है, बादाम थोड़े साथ में डाल दिए हैं, इलायची तो ज़रूर पड़ेगी इसमें, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा, आपको जो भी ड्राई फ्रूट डालना है आप डाल सकते हो, और इसको फिर से हम उतना चलाएंगे कि हलवा हमारा बहुत अच्छे से खींच जाए, मतलब ये जो है ना यही मेन स्टेप है, मतलब हर एक चीज़ डालने के बाद आपको हलवे को थोड़ा खींचना है ताकि उसमें ज़रा भी पानी ना रह जाए, और अब लास्ट में जब सारा इसमें चीनी का मावे का पानी सूख चुका है, हलवा काफ़ी खींच चुका है ना, पक चुका है, सौते हो चुका है, तब इसके अंदर मैंने वापस एक चम्मच वही वाली चम्मच मैंने घी डाला, यानी दो चम्मच में ये पूरा हलवा बन गया है 1.5 किलो का, लेकिन बनेगा बहुत ही बढ़िया। ये वाली रेसिपी अगर आप फॉलो करोगे ना गाइज, आप मुझे खुद थैंक्स बोलोगे, क्योंकि इस रेसिपी से हलवा बहुत अच्छा बनता है, बस लास्ट में जब बिल्कुल कड़क लगे ना कि भाई हाँ अब इसके अंदर कोई भी तरह का पानी नहीं है, भाई कलछा दबा के देख लो गाजर के ऊपर तो पता ही चल जाएगा, तब इसके ऊपर से मैंने गार्निश कर दिए हैं बादाम वगैरह, और सबसे पहले मैं भोग लगाने जा रही हूँ भगवान जी को। तो जिन्होंने भी कल ये कमेंट किया था दीदी गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करो, लीजिए मैंने कर दिया आपके लिए, तो चलिए सीज़न के पहले हलवे को लाइक ज़रूर कर देना। मैं जाती हूँ गणपति बप्पा को भगवान को भोग लगाने, और आप इस व्लॉग को लाइक करके ही जाइएगा। लव यू, कल भी मैं व्लॉग डालूंगी और अब से मैं रोज़ व्लॉग डालूंगी। लव यू, टेक केयर, बाय।